अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास यार्ड। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन दही वाले। ये आलू बैंगन बहुत मज़े के करारे बनते हैं क्योंकि इनमें पानी बिल्कुल नहीं डलता, ये सिर्फ दही के अंदर पकते हैं और दूसरे आलू बैंगन से बहुत डिफरेंट इनका टेस्ट होता है। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के एग प्लांट या बैंगन और उनको इस तरह से काट लिया है, इस तरह से इनको काट लिया है। और फिर इसके बाद जो आलू हैं वो भी मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको इस तरह से काट लिया है। और जो योगर्ट है वो 1 कप लिया है। अगर आपको ग्रीक योगर्ट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं तो फिर योगर्ट को अच्छी तरह ड्रेन करके उसका पानी निकाल लें। इसके बाद हम लेंगे खुश्क धनिया है, इसको हाथ से या स्पून से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। नमक मिर्च हसबे जायका होगी। कुकिंग ऑयल जो है वो 1/4 कप लेना है। 2 टेबलस्पून हम लेंगे ऑलिव ऑयल के, जो हम बाद में इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले ऑयल जो है मैंने पैन में डाल के गरम किया है, उसके अंदर अब ये जो है एग प्लांट के पीसेस वो इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम साबुत धनिया जो है उसको स्पून से क्रश करके या हाथ से क्रश करके इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे और फिर इसको कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट तक इनको कवर रहने देंगे, हल्की आंच पे रखेंगे और 10 मिनट बाद ये बहुत नरम हो जाते हैं इस तरह। पानी इनमें बिल्कुल नहीं डालना। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हैं, नरम हो गए हैं, तो हम इनमें अब मसाला डालेंगे। मसाला सिर्फ मिर्च और नमक का है जो हम डाल चुके हैं इस तरह से। अब इसको हिलाएंगे ताकि मसाला इसके अंदर जो है मिक्स हो जाए। थोड़ी देर तक इसको इसी तरह हिलाएंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब देखिए मसाला भी मिक्स हो चुका है और ये तकरीबन तैयार हैं। अब हम इनके ऊपर जो आलू थे हमने काट के रखे वो इस तरह से डाल देंगे। अब इसके ऊपर योगर्ट इस तरह स्पून से फैला के डाल देंगे ताकि सारे आलू कवर हो जाएं, सारा जो बैंगन सुखा है ना उनको कवर कर देंगे इसके साथ। और फिर इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा योगर्ट जो है पानी वाला हो गया है। तो फिक्र नहीं करें, थोड़ी देर चूल्हा जो है 2-3 मिनट के लिए तेज़ करें, पानी वेपोरेट हो जाएगा और फिर इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं। अब देखिए आलू हमारे गल चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसको हिलाएंगे इस तरह से, इनको हिलाएंगे और फिर इसमें हम इस वक्त जो है धनिया जो काट के रखा है वो डाल देंगे गार्निश के लिए। फिर इनको हिलाएंगे अच्छी तरह ताकि धनिया भी जो है इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो। और फिर इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, या अगर आपके पास बटर है तो वो डाल सकते हैं क्योंकि इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है जब ये पक जाता है। तो हमारी ये आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है, बहुत मज़े की, बहुत करारी बनती है। गर्मियों में वैसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हल्का फुल्का सा सालन होता है तो रोटी के साथ या पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। स्पेशली ये जो है चावलों के साथ इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, वाइट बॉयल्ड राइस के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।